मन है घायल रूह दुखी है इस दुनिया में कौन सुखी है बाबा हाँ क्या हो रहे हैं वो बेटा मैंने यहाँ सिगरेट की डिब्बी रखी थी वो ढूंढ रहा था मैं तुम हर बार यहीं सिगरेट क्यों छुपाते हो उस दिन भी तुम सिगरेट ही ढूंढ रहे थे ना हाँ वो असल में जगह यही ये हाथ में क्या छुपा रखा है तुमने हैं वो कुछ नहीं अब कुछ बाकी रह गया है जो तुम ये भी लेकर जा रहे हो और क्या क्या चाहिए तुम्हें क्या क्या चाहिए एक बार क्यों नहीं कह देते कैसे बाप हो तुम इतना लालच इतना हिर्स अरे शर्म आती है मुझे तुम जैसे इंसान की औलाद होते हुए नहीं बेटा तुम्हें कोई जरूर गलत फहमी पैदा हुई है तुम्हें गलत फहमी हाँ हुई थी मुझे गलत फहमी अपनी मां को गलत समझने में और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से दिल तो चाह रहा है मैं तुम्हें इतनी अजियत दूं जितनी अजियत मेरी मां को हुई है मगर मेरी मां की तरबियत मुझे ऐसा करने से रोक रही है बेहतरी इसी में तुम अभी और इसी वक्त मेरा घर छोड़कर चले जाओ घर में मेहमान है इसलिए मैं कोई हंगामा नहीं करना चाहता चुपचाप चले जाओ यहां से वरना मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें यहां से धक्के देकर बाहर निकलवाऊंगा पुलिस हाँ क्योंकि तुम इसी लायक हो मेरी माँ को हर वक्त अजियत देते रहे उनसे पैसे बटोरते रहे और मुझे भी बेवकूफ बना रहे हो मैं कहता हूँ निकलो मेरे घर से नहीं 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 बेटा नहीं ऐसा ना कहो मैं तुम्हारा बाप हूँ बेटा खबरदार खबरदार जो मुझे अपनी औलाद का और अपने आप को मेरा बाप का तुम मेरे बाप कहलाने के लायक ही नहीं हो मैं सिर्फ और सिर्फ नरगिस फारूकी का बेटा हूं समझे अब जाओ यहां से बेटा मुझे माफ कर दे बेटा मैंने कहा ना जाओ यहां से जाते हो या नहीं वरना मैं पुलिस को बुलाता हूं ऐसे केस में अंदर करवाऊंगा कि सारी जिंदगी नहीं निकल सकोगे रानी रानी ये शख्स जब यहां से चला जाए तो मुझे बता देना अच्छा बेटा दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना और नफले पढ़ती रहना आज इंशाल्लाह मैं अपनी बच्ची को लेकर ही वापस लौट दूंगी माँ माँ गुड़िया को जरूर लेकर आइएगा पता नहीं कैसी होगी कहाँ होगी कुछ खाया होगा यदि खाया होगा अम्मा की उसकी तबीयत ना बिगड़ गई हो अम्मा मैं कल रात से आपका फोन ट्राई कर रही हूँ आपका फोन बंद जा रहा है सर को सब बता दिया है ना जी जी वो कल 3 से 4 के दरमियान किसी लड़की को लेकर आने की बात कर रहा है
सौदा हो चुका है। मेरा ख्याल है लड़की नाबालिग है। मैं बाद में बात करती हूँ। क्या हाल है मेरी रानी? बहुत जल्दी याद आ गया। खफा है क्या? तो और क्या, मैं कल कितनी बार आई आपके पास और आप हैं कि मेहमानों में मसरूफ थे। कारोबारी मामला थे, एक सौदा किया है, दुआ करके उसमें नफा हो। अल्लाह आपके हर सौदे में मुनाफा करे। अल्लाह साईं ने तो मुनाफा ही मुनाफा लिख दिया है मेरे नसीब में। एक के बाद एक नगीना भेज देता है मेरे पास। क्या सोच रहे साईं? सोच रहा हूँ कि तू कितनी खूबसूरत है। दिल करता है कि क्या दिल चाहता है? तुझसे निकाह करूँ, अपना बनाऊ, दूरियां मिटा दूँ। तो कर लीजिए ना, किसने रोका है? ठीक है, बंदोबस्त करता हूँ। आप चाय पियेंगे? जी पी लूंगा। मैंने सोचा कि चाय बना रही हूँ तो आपसे पूछ लूं। नहीं क्या और पूछ पूछ। ये कौन है? ये माहीन है। हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। ये तो मानो है मेरी बहन। क्या मतलब, तुम माही मुरादा की बेटी हो नौशीन? जी। मगर ये कैसे हो सकता है, माहीन ने तो बताया था तुम्हारी डेथ हो चुकी है। हेलो। हेलो अम्मा बेटा, गुड़िया है ना, गुड़िया वाकवा हो गई है। क्या गुड़िया किडनैप हो चुकी? और वो जो मानो बिटिया है वो अलग रो रो के बेहोश हो रही है। अच्छा आप फिक्र ना करें, मैं कुछ करता हूँ। क्या हुआ गुड़िया को? गुड़िया किडनैप हो गई है। या अल्लाह खैर। ये हबीब कहाँ मिला था तुझे? सही, ये खुद आया था यहाँ। जानता है ना कितना बड़ा झूठा है। इसीलिए साईं बुलाया है कि पहले लड़की आपके सामने पेश करे फिर पैसे देंगे। ये तो अकलमंदी की बात की थी। खैर आता है तो देखते हैं, एक दिन की मोहलत लेके गया, पता नहीं आता है या नहीं आता। गाड़ी दिखा के लेकर मैकेनिक को थोड़ी गड़बड़ कर दी। जी साईं। रानो है ना? आपके जाने के बाद मैं हम्माद के पास गई थी। हम्माद? कौन हम्माद? अम्मा वही रिपोर्टर जिसने आपके आस्थाने की। मेरी बच्ची बहुत परेशान है, 3 महीने हो गए एजाज को घर बैठे हुए, तंगी हो गई होगी। और फिर वो हीरा का मामला। शानू ने कुछ नहीं बताया आपको? कैसे बताती, ससुराल का मामला है तो हो सकता है अकीला ने मना कर दिया हो। हमने भी तो शानी की बात छुपाई है सबसे। वो तो हीरा तुझे रास्ते में मिल गई तो उसने बता दिया, वरना मैं तो बेखबर ही रहती। वो कह रही थी कि मुरादा माई से कहना कि मेरी अम्मा को समझा दे। किसी के भी मामले में दूसरे का बोलना अच्छा नहीं लगता, और फिर ये तो ससुराल का मामला है, मैं कैसे बोल सकती हूँ जमीला? वैसे आप ठीक ही कह रही हैं। वैसे हीरा ने गलती तो की, लेकिन अपनी गलती को सुधार भी लिया इमरान से निकाह कर, फिर अपनी माँ से भी माफी मांगने चली गई है। तो देखना अकीला एक दिन उसको अपने दिल से लगा लेगी, आखिर तो माँ है। मुझे तो अभी फिलहाल
سب سے پہلے اعجاز کی نوکری کا بندوبست کرنا ہے تاکہ شانو کی پریشانی کم ہو، پھر اس منحوس حبیب کو ڈھونڈنا، نہ جانے کہاں دفن ہو گیا میری بچی کو لے کر، دو دن ہو گئے کوئی اتا پتہ نہیں کیسی ہوگی۔ وہ جہاں کہیں ہو اللہ اس کی حفاظت کرے، آپ پریشان ہو۔ چلو تمہاری بہن کا پتہ تو چلا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اچھی خبر کے ساتھ نہیں۔ پتہ نہیں وہ کس حالت میں ہوگی، اور معصوم چھوٹی سی بہن ہے میری۔ شین تم بالکل پریشان مت ہو، ابھی حماد آئے گا میں اسے بات کروں گا، ہم دونوں مل کے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے۔ کیا ہوا بھائی، کیا باتیں ہو رہی؟ کچھ نہیں یار، بس وہ اس کی بہن کی گمشدگی کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ ہاں اسی سلسلے میں نکلا ہوا تھا، سارے رپورٹرز کو انفارم کرایا ہوں کہ سی سی ٹی وی کیمرہ کی فوٹیجز لے کے مجھے انفارم کریں۔ ہاں میں بھی ابھی کچھ لوگوں کو کال کرتا ہوں، وہ بھی شہر کے 10 نمبریوں کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں۔ چلو اچھا ہے، ہر طرف سے جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ سے پوری امیدیں وہ ہمیں مل جائے گی۔ ہاں یار نوشین بتا رہی ہے بہت چھوٹی ہے، اس کی بھلا کسی سے کیا دشمنی ہوگی۔ اماں دیکھیں آپ نے اپنی ساری کوششیں کر لی ہیں، پولیس والوں کو بھی دیکھ لیا، تمام جاننے والوں سے بھی پوچھ لیا، ہر کسی سے کہہ دیا، مگر ابھی تک کوئی کچھ نہیں کر پایا۔ آج 2 دن گزر گئے، پتہ نہیں کہاں دفن ہو گیا مردود۔ میرے مریدوں نے چپا چپا چھان مارا لیکن مل ہی نہیں رہا۔ اماں وہ آپ کے جانے کے بعد میں حماد کے پاس گئی تھی۔ حماد؟ کون حماد؟ اماں وہی رپورٹر جس نے آپ کے آستانے کی۔ مونو تو اس کے پاس گئی تھی؟ اس کے پاس؟ تو اچھی طریقے سے جانتی ہے نا اس نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ؟ یہ وہی ہے نا جسے تیرا رشتہ بھی بیچا تھا، تو اسی کے پاس گئی ہے؟ اماں مجھے اس وقت کچھ یاد دیں گے سوائے اس کے کہ میری گڑیا ایک ظالم شخص کی قید میں ہے اور مجھے ہر حال میں اپنی گڑیا کو چھڑا کے واپس لانا ہے۔ اور تو سمجھتی ہے کہ وہ اسے ڈھونڈ لے گا؟ اماں وہ ایک رپورٹر ہے، کراچی کے کونے کونے میں ان کا نیٹورک پھیلا ہوا ہے، ان کی پوری ٹیم ہے جو یہی کام کرتی ہے۔ دیکھیں پورے شہر میں جہاں جہاں بھی کیمراز فٹ ہیں وہ روزانہ ان کو چیک کرتا ہے۔ میری اس سے بات ہوئی ہے، اس نے مجھے بتایا کہ وہ ہمارے ایریا کے کیمراز کو چیک کرے گا، جن سے ٹریس ہو جائے گا کہ وہ کس گاڑی میں گئی، اور گاڑی سے بہت ہیلپ ملے گی۔ اماں بس مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ہماری گڑیا کو ضرور واپس لے آئے گا۔ اماں وہ ڈھونڈ نکالے گا، بس ایک بار وہ ہماری گڑیا کو واپس لے آئے نا اماں، پھر آپ کا جو دل چاہے میرے ساتھ سلوک کیجیے گا، جتنا دل چاہے مار لیجیے گا، مگر پلیز ابھی مجھے اس کی ہیلپ لینے دیں۔ مائی غلطی معاف، مانو ٹھیک کہہ رہی ہے، اس وقت ہمیں اپنی گڑیا کو ڈھونڈنے کے لیے سب کی مدد چاہیے ہوگی۔ پرانی باتوں کو رہنے دے مائی۔ ہاں کرن کیا پروگرس ہے؟ ڈراپ سین کے لیے تیار رہیں باس، میں آپ کو کل اہم نیوز دوں گی۔ گڈ، اس نے کل مجھے نکاح کی آفر کی ہے، ہو سکتا ہے ایک دو دن میں نکاح کا ڈرامہ رچایا جائے، میں پوری طرح تیار ہوں۔ میں نے سارے ثبوت اکٹھے کر لیے ہیں ویڈیو اور آڈیو کے ساتھ۔ زبردست کرن، تم نے بہت بڑا مشن بہت کم وقت میں نپٹا دیا ہے، ویری گڈ۔ میں جیسے ہی آپ کو کال کروں فوراً فورس کے ساتھ آئیے گا، اور مجرم کو گرفتار کر کے لے جائیے گا۔ ٹھیک ہے ڈن۔ یار میں نے علاقے کے تمام سرکردہ بدماشوں سے معلوم کیا، ان میں سے حبیب نامی تو کوئی بھی نہیں ہے۔ البتہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس نام اور اس سلیے کے شخص کو انہوں نے دیکھا ضرور ہے۔ اچھا اور کہاں ملے گا وہ؟ وہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ پاس ہی کوئی کچی بستی ہے، اس میں رہتا ہے، پتہ نہیں کہ وہ وہاں ہے یا نہیں۔ مگر وہ تو وہیں کا ہی محلہ ہے نا،
ये कैसे हो सकता है? वो उसे वहीं से किडनैप करे और फिर वहीं छुपा दे? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता मेरे दोस्त, जैसा तुम सोच रहे हो बाकी सब लोग भी यही सोच रहे होंगे और इसी बात का वो फायदा उठाएगा। हाँ यू आर राइट, तुम ठीक कह रहे हो। चलो फिर देखते हैं। चलो साईं, उसने बताया कि साईं ने 5 शादियां की हैं और हयात एक भी नहीं। बंगले में आजकल फिर एक जवान लड़की नजर आ रही है और साईं उससे निकाह के प्रोग्राम में। साईं मुझे ये बताते हुए आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन पता करने के लिए मैंने ही तुझे भेजा था और बताना तुम्हारा फर्ज है। अली शेर को पैसे दिया है? जी सर, वो ले नहीं रहा था लेकिन मैंने जबरदस्ती दे दी उसे, उसकी बेटी की शादी है। ठीक है, उसे दूसरे पैसे भी भिजवा देना। जी सर, चलो वो मैं दे दूंगा, लेकिन वो बहुत घबराया हुआ था, कह रहा था मेरा नाम ना आ जाएगा। नहीं नहीं, कभी नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक सर, बस अब तुम जाओ। ठीक सर। आज तो हेरा को आ जाना चाहिए था। मैंने उसे बताया भी था कि घर में पैसों की कितनी फौरी जरूरत है। हेरा, ये क्या ताका झाकी हो रही है? नहीं आमा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस वो सच बताओ यहाँ क्या कर रही थी? वो नजमा खाला को मैंने कहा था कि राशन लेकर घर आ जाएं, बस उन्हीं को देख रही थी मैं। तुम मुझे इतना बेवकूफ़ समझती हो? कारून का खजाना आ गया है तुम्हारे हाथ, जो हर रोज तुम नजमा से सौदा मंगवा लेती हो। मुझे तो कुछ और ही चक्कर लगता है, रंग ढंग देख रही हूँ मैं तुम्हारे। नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सच सच बताओ, किसका इंतजार कर रही थी? कसम खाकर कहती हूँ अम्मा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं नजमा खाला का इंतजार कर रही हूँ। बल्कि एक मिनट, वो भी आएंगी ना, आप उनसे खुद ही पूछ लीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। नजमा से पूछती है मेरी जूती, दिन भर में अल्ले में आवारा घूमती रहती है, तो उसी को गवाह बना रही है। ठहर जाओ, मैं तो दिमाग में अच्छी तरह सीधा करती हूँ। नहीं अम्मा, अम्मा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। किससे बातें कर रही? नहीं नहीं अम्मी, कोई भी तो नहीं। बेशरम, जिस रोज रोज के तूने चक्कर चलाए हुए है ना, रोजाना किसी न किसी गैर मर्द को दरवाजे पे बुला लेती है। उधर बाहर वाले कमरे में बैठ, फिर मैं बात करता हूँ। कुछ मन है घायल, रूह दुखी है इस दुनिया में।